हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइस, आज का वीडियो टाइटल देख के समझ गए आप, हमने लिया है iPhone 11। अब iPhone 12 के टाइम में हमने iPhone 11 क्यों लिया है वो सब हम बातें करते रहेंगे। पहले तो मैं बता देता हूं जिस प्राइस रेंज में हमें ये मिला है। मेरे कोई पैसे खर्च हुए 52,000 रुपये। अब 52,000 रुपये में आपको बताता हूँ मैंने ऑफलाइन मार्केट से क्या क्या लिया है इस फोन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मिला ये मोबाइल, हमारा है iPhone 11, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें दिया ये वायरलेस चार्जर। मैं जानता हूँ एप्पल का नहीं है, बट डोंट वरी, ये एप्पल के साथ कंपैटिबल है, काम जो ये करेगा, काफ़ी मस्त सा चार्जर है। और हमें दो मस्त केस मिले हैं। मैं जानता हूँ एप्पल के ये 5,000 रुपये के केस है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। और हमें मिले हैं ये दो बहुत ही मस्त से ग्लासेस इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। तो देख लो 52,000 रुपये में हमें क्या क्या मिला है। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ इसकी। तो सब कुछ साइड साइड में रखते हैं। एप्पल इसमें आगे पीछे डब्बे में दिखाने लायक कुछ नहीं होता है, वो ऊपर है ये खड्डा सा, क्यों है आप लोगों को पता है। ये है हमारा iPhone 11 पर्पल कलर, थोड़ा सा मुझे पसंद आया। पैकेजिंग की बात करें तो इसमें वही जन्म पत्रियाँ हैं, इसके वो स्टीकर हैं एप्पल के, लगाने हैं तो लगा लेना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चार्जर जो अब नहीं मिलना, ये विलुप्त होता जा रहा है एप्पल के डब्बे से, अभी आने वाली जनरेशन में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। दर्शन कर लो आखिरी बार आप लोग एप्पल का चार्जर। ईयरफोन्स ये तो भूल ही जाओ, आपके अब जो आपको मिलेगा आने वाले फ़ोन पे वो है ये। तो ये तो थे कुछ रीज़न जिनकी रीज़न से आईफोन 12 ना लेते हुए हमने आईफोन 11 लिया, ठीक है। बाकी की बात कर लेते हैं, इन डब्बे की खोलम खोल लीजिए, वो हो चुकी है। हमारा ये आईफोन 11 64GB का वेरिएंट है, एंड ये जो उतारने में मज़ा आता है, फील के साथ तो नहीं उतरा बट मज़ा आया उसको उतार के, ठीक है। तो यार ये तो ना इसका बहुत ही प्यारा सा अनबॉक्सिंग। अभी हम ना इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी चढ़ाएंगे, वो बाद में वीडियो के आखिर में, देखना है किस तरह चढ़ेगा या किस तरह का है, डटे रहना, नहीं तो बाकी सुन लो क्या रीज़न है आईफोन 11 लेने का। अनबॉक्सिंग देख लिया, डब्बे में देख लिया, आप लोग जल चुके अंदर से iPhone 12 जिनकी लेने की है, कि क्या कुछ मिल चुका है अपने को और क्या कुछ आपको खोना है जब आपको iPhone 12 लेना है, क्योंकि आप लोगों को नहीं मिलने वाला 12 वालों को ये सब चीज़ें। 12 का ही प्लान था, बट देन मैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ गया, क्या मैंने देखा ये 12 मतलब 80,000 रुपये का था वो, क्या 30,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने चाहिए क्या उस फोन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ थी क्या डिफरेंस था, सबसे पहला था OLED डिस्प्ले, जो इसमें नहीं है, इसमें IPS डिस्प्ले, बट आईफोन की डिस्प्ले ये भी काफ़ी अच्छी है, बट 30,000 रुपये मुझे नहीं वर्थ लगा कि मैं उसमें दो, क्यों दो। अब आईफोन 11 में क्या है एक्स्ट्रा जिस रीज़न से मुझे ये लेना पड़ा, पहली बात तो मुझे चाहिए ये कैमरा के लिए, बेसिक सी बात है। कैमरा में क्या अपग्रेड है आईफोन 12 में, घंटा कुछ नहीं अपग्रेड है, सेम एज इट इज़, फ्रंट का 12 पीछे का 12 सब उठा के उन्होंने आईफोन 12 में डाल दिया है, कुछ भी नया नहीं आईफोन 12 के कैमरा में, 12 के बता रहा हूँ मैं अभी भी। यहाँ बचाए अपन ने 30,000 रुपये, ठीक है, 28,000 रुपये बने अप्रॉक्सीमेट, और 30,000 रुपये ले लो। पहले तो एक कैमरा की बात थी, ठीक है। दूसरी बात, वायरलेस चार्जर ये भी सपोर्ट करता है, वो भी सपोर्ट करता है, कुछ अलग नहीं है। और एमोलेड डिस्प्ले का मेरे को कुछ करना नहीं है, मतलब वो ओलेड डिस्प्ले का मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि कैमरा जब आप मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए, फोटो खींचो वीडियो खींचो एडिटिंग करो ये वो, ठीक है। अब दूसरा मेरा एक और रीज़न था, अब मैं वो 80,000 रुपये का फ़ोन ले भी लेता तो 1900 रुपये का मुझे चार्जर लेना पड़ता, ठीक है, कितना हो जाता, आप 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, एप्पल है यार, 100 रुपये टिप रख ले, ठीक है, 8200 ये हो जाता, मतलब 82,000 रुपीज़। अब मुझे 2200 रुपये के ईयरफोन्स लेने पड़ते ये वाले, अब इनके लिए 2200 रुपये कौन खर्चे, हालांकि मेरे को बहुत पसंद है ये वाले ईयरफोन्स एप्पल के, मजाक नहीं है, ठीक है। अब इनके लिए 2200 रुपये कौन खर्चे, तो कितने हो गए 84,000 रुपीज़। सो आप मोटा मोटा अगर लगाओ तो मैंने कितने रुपये बचाए, 32,000 रुपीज़। बाकी अगर मैं वहीं से टेम्पर्ड ग्लास लगा लेता तो भाई साहब 3,000 रुपये का मेरा ग्लास लगना था। मुझे पता है मैं चाहे 3,000 वाला लगाऊं, चाहे 10,000 वाला लगाऊं, चाहे 100 रुपये वाला लगाऊं, 3 महीने बाद वो मेरा टूट जाता है। सो कोई ज़रूरत नहीं अपने को, अभी आप देख ही लोगे किस तरह का वो लगेगा और किस तरह की उसकी क्वालिटी होने वाली है। सो ये तो थे मेरे कुछ रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये लिया। और अब मैंने बचाए 5,000 रुपये केस के, ये है मेरे को पड़ा 500 रुपये का केस, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट पैसे बचाए 4,000 रुपये, क्योंकि वो 4,500 रुपये का केस है, बहुत ही मस्त तरीके से चढ़ जाता है, बहुत ही कूल लग रहा है। इवन कि 5,000 रुपये खर्च के, और मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने हर मोबाइल के 10-12 केसेस लेने होते हैं, बोर हो जाते हैं हम लोग, अब मैं 5,000 रुपये के केस लेने लगा तो इतने में तो मैं अगला आईफोन 11 ले लूँगा भाई,
ठीक है, अगर मैं एप्पल के केसेस लेने लगा तो इसलिए हमने लिए हैं ये वाले केसेस। बाकी मैंने ऑनलाइन क्यों नहीं लिया, आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछेंगे। तो यार अभी ऑर्डर करवा लिया था हमने आईफोन 11 ऑनलाइन, बट यार वो RAPH वाला केस आप लोगों को पता है, कहीं लिंक विंक दिख रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। लिटरली अमेजोन ID भी डीएक्टिवेट कर दिए बंदे की। भाई मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है ये सब करने का, और 50,000 रुपये अगर हमारे जैसे के हो जाते हैं भाई, वो तो फिर भी बंदा हिम्मत कर रहा है, मेरी हिम्मत टूट जाती, इलेक्ट्रिक अगर भरोसा उठ जाता, तो मैं नहीं जाता था मेरा वो भरोसा टूटे। तो इट्स बेटर कि मैं ऑफलाइन मार्केट गया और वहाँ जाके ले आया, और RAPH भाई जो है वो जिसका फ़ोन हुआ है ये सब, मैं चाहता हूँ यार उसको जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए अमेज़ॉन वाले देते। क्यों कर रहे यार अमेज़ॉन ऐसा? मैं एफिलेट अकाउंट वाला हूँ, मेरे को डर लगता है कि लिंक्स में मुझे ये ना लिखे कि चोर की कंपनी का लिंक दे रहा है। एंड ऑफलाइन मार्केट से मुझे ये चार्जर भी जो है उन्होंने दे दिया। ये चार्जर जो अप्रॉक्सीमेट 1 एम्पेयर का है, बट स्टिल लोकल मार्केट से लेने पर उन्होंने बोला भाई तो ये भी ले जा। एप्पल क्या देता है ये? भाई कुछ नहीं देता एप्पल वाला, तो ग्लास तक नहीं देता, ये कुछ नहीं देता। एप्पल वाला कहता है हमने आपको फ़ोन दिया, बहुत बड़ा एहसान है। सो यस, अगर आप लोग आईफोन 12 लेने की सोच रहे हो और कैमरा की अपग्रेडेशन की बात करें, कोई कैमरा अपग्रेडेशन नहीं है, सिर्फ अपग्रेड हुआ है आपका स्टेटस। आईफोन 12 ले लिया है आपने तो इट मीन्स आपको बहुत बड़ा स्टेटस है। तो अगर वो चौंचनों के लिए लेना है तो ठीक है, अगर आपको कुछ एक एफिशिएंट यूज़र हो, आईफोन 11 है ऑलरेडी और आईफोन 12 पे अपग्रेड करने की सोच रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं घर पे बैठ जाओ, कुछ भी नया नहीं है। इंस्टेड ऑफ गोरिल्ला ग्लास ये दोनों में 5G है वो, अगर आईफोन 11 है तो 5G है वो, बट मैं अगले साल तक तो शायद फिर चेंज कर लूँगा, तो तब देखेंगे, तब आईफोन 12 ले लेंगे, तब वो इससे कम में शायद हो जाएगा तो ठीक है। बाकी 5G अभी तक तो इंडिया में आया नहीं है, सो आई एम नॉट सीइंग एनी पॉइंट कि अभी मैं वो लूँ, मे भी वो मार्च या अप्रैल तक आ जाए, बट स्टिल सेटअप होते होते टाइम लगता है। सो आईफोन 11 की इसके ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ फ्रंट की तरफ, यार बड़ी सी नॉच, बड़े बड़े बेजल, क्योंकि 11 है ना। पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरे, एक माइक है, एक फ्लैश लाइट है, साइड की तरफ एक लॉक है, दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम रोकर और ये अलर्ट स्लाइडर है, और नीचे की तरफ एक स्पीकर, एक माइक और एक ईयरफोन जैक प्लस लाइटनिंग कनेक्टर जिससे आप चार्ज करोगे, ये 2 चीज़ें हैं। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है 7.5 वॉट का, तो वायरलेस चार्जर अगर आपके पास है तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आईफोन 11 ले लो, रेस्ट टोटली इज योर चॉइस। ठीक है, तो अब लगा लेते हैं इसका ग्लास ग्लूसम आपके सामने, पता चल जाएगा आपको ये किस तरह इसका लगेगा और क्या क्या क्वालिटी है। ये 3 चीज़ें आपको पड़ी रहेंगी जो आईफोन 12 लेने की सोच रहे हैं उनको चिढ़ाने के लिए। मोबाइल सारा साफ हो चुका है, ये रहा इसका ग्लास, तो टेम्पर्ड ग्लास चढ़ चुका है, आप देख सकते हो, मैं आपको नीचे से लगे ऊपर तक एंड डिटेलिंग में दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से चढ़ा है। और ये 150 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास है मात्र बस, और मेरे पास ऐसे 2 और भी जाके लेके आ सकता हूँ, बहुत ही इवन किया आपको मैं, अगर ऑन करके दिखाऊँ स्क्रीन चला कर दिखाएं मतलब अगर हम आपको, तो ये कुछ इस तरह का है। तो ये वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बनाई क्योंकि आईफोन 11 के बारे में सबको पता ही है, सबको इसकी कुछ डिटेलिंग बता के फ़ायदा नहीं होगी। देखो आप कितना कंफर्टेबली ये चढ़ चुका है, ये कुछ हम इस तरह से लगाएंगे, एंड आपका 80,000 रुपये का जो 90,000 में आपको मिलेगा वो मेरा 50,000 रुपये में, मतलब 52,000 रुपये में सारे काम इसमें हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है सब कुछ। इवन कि मुझे तो वायरलेस चार्जर भी मिला है, हालांकि देसी है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ये था ऑल ओवर जुगाड़पन। तो आज की वीडियो थी मस्ती भरी, कुछ खास नहीं था, सिर्फ आईफोन 12 लेने वाले को चिढ़ाना था, और आईफोन 11 जो मैंने लिया है जिसलिए होता आईफोन शो ऑफ के लिए, तो वो शो ऑफ मैंने कर लिया है, आप लोगों को बता दिया कि हाँ कुछ वीडियोज़ अब इससे भी शूट हुआ करेंगी। इवन अभी फ्रंट में जो मेरे पास है आईपैड से मैं शूट करता हूँ, i1+8 Pro से शूट करता हूँ, मोबाइल आईपैड जिसका भी कैमरा मिले शूट कर लो, थोड़ी लाइटिंग अच्छी रखो, बहुत बढ़िया वीडियो आती है, कुछ ज़्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं होती है। अब ये मत बोलना कि तुमने तो बड़े बड़े फ़ोन रखे, भाई मेरे पास फ़ोन है तो मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, छोटे फ़ोन होते तो मैं छोटे फ़ोन से करता, इवन स्टार्टिंग की वीडियो से मेरी 1+6T से होती थी यार, उससे भी स्टार्टिंग वाली वीडियो तो मेरी सैमसंग के मोबाइल से होती थी। सो जैसे जैसे थोड़े थोड़े पैसे आते हम भी फ़ोन अपना अपग्रेड करते गए, कैमरा का भी टाइम आएगा। हाँ काफ़ी लोग कहेंगे 8 Pro में तो कैमरा आ जाता, ठीक है ना, फ़ोन का शौक पहले होता है, वो धीरे धीरे लेंगे जब हाँ इतना मेरे पास पैसा आएगा कि आप भाई फ़ोन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कैमरे से भी आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। सो ये था छोटा सा फन विद आईफोन 11, फन 11 एक राइमिंग बन गई, तो आईफोन 12 वालों जलो। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स अगर आप मेरे को प्यार करते हो तो लाइक ठोको, शेयर करो,
शेयर भी किनको करना है आप लोगों को पता है, जो आईफोन 12 हाँ सबको पता है, सबको शेयर मारो ठीक है। और सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया, नए सब्सक्राइबर्स हैं करो, अपा ऐसे ही मस्ती भरे कंटेंट बनाते रहते हैं टेक के रिलेटेड। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए ग्रेट डे गाइस।